अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सहारनपुर ने कहा है कि जब से केंद्र में व उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तब से देश के युवा वर्ग, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे छोटे व्यापारी वर्ग को बर्बाद कर दिया। छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया। प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ रही है। मिशन 2022 में 351 का लक्ष्य समाजवादी पार्टी युवाओं, मजदूर, किसान, गरीब, छोटे छोटे व्यापारी वर्ग के बल पर हासिल करेंगे। अध्यक्षता केहर सिंह सैनी ने की और संचालन इंतजार त्रिषि ने किया। उपस्थित रहे वाजिब त्रिषि, सद्दाम, डॉक्टर संदीप सैनी, सौरभ सैनी, नरेश सैनी, सोनू सैनी, लोकेश सैनी, संजय सैनी आदि रहे। अंकित जैन की रिपोर्ट। मोहल्ला सैनी सराय में समाजवादी की बैठक के अंदर हमारे युवा युजन सभा के दो युवा नेता आए हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, किसान, मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया है, यही युवा, ये युवा शक्ति इस भारतीय जनता पार्टी को 2022 के अंदर मिशन 351 का हम इन युवाओं के बल पर, गरीब, किसान, मजदूर के बेटा बेटियों के बल पर इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, केंद्र सरकार का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से भी सफाया होने का काम करेगा। जय हिंद, जय समाजवाद।